मैंने बोला था ना, प्यार आजकल किसी भी चीज़ से हो जाता है इस उम्र में। अभी ना मेरे पास एक मैसेज आया, बड़ा ही मतलब ऐसे ना, उसकी स्टार्टिंग ऐसे थी कि मेरा पूरा पढ़ने का मन कर गया। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मेरा। हालांकि ऐसे मैसेजेस बहुत सारे आते रहते हैं बच्चों के कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और ये नहीं हो रहा वो नहीं आ रहा, लेकिन उसने जो कहा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। बोले सर, मैं अभी अभी शादी में गया था, एक शादी में गया सर, वहाँ मैंने एक लड़की देखी और सर मुझे लड़की पसंद आ गई, और सर ना जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो सिर्फ मुझे उसी का चेहरा दिखाई देता है। सर पढ़ने में मन नहीं लगता, अकेला बैठता हूँ तब भी मन नहीं लगता, है ना सर, खाना खाने का मन नहीं करता, सोता हूँ तो नींद नहीं आती, और तो और जहाँ भी देखता हूँ सर उसी का चेहरा दिखता है। मैंने कहा भैया ये बीमारी बहुत खतरनाक है तेरी, ये बहुत ज़बरदस्त बीमारी लग गई तुझे, और ये तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा भैया, ये एग्जैक्ट वर्ड है उसके। बोले सर गाने भी सैड सॉन्ग सुनने लग गया हूँ, सर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है कि जे ही मेरे से दूर जाता जा रहा है, लेकिन सर फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। सर दिक्कत तो ये हो गई कि उसका नंबर भी मिल गया मुझे, मैं उसका नंबर भी ले आया हूँ जैसे तैसे करके, और सर अब दिन भर बैठ के उसकी डीपी देखता रहता हूँ। मैंने कहा भैया क्या होगा यार तेरा, और उसने स्टार्टिंग इस तरह से करी ना मैसेज की कि मुझे पूरा पढ़ना पड़ गया, और ये सारी चीज़ें उसने मैसेज में लिखी हुई थी। तो इससे क्या सीख नहीं मिलती है कहानी की तुम्हें, देखो इससे क्या सीख मिलती, लेकिन बंदा बड़ा चलाका आदमी था, नंबर भी ले आया, देख रहे हो शादी में गया था और नंबर ले आया मतलब। लेकिन इससे सीख हमें ये मिलती है कि भैया अभी तक 2 साल शादी में नहीं जाना चाहिए, है ना, इससे ये सीख मिलती है क्योंकि शादी में ऐसी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ वो मुझे लग रहा है उसको सच्चा वाला प्यार हो गया है ना, वो कह रहा था, उसने लिखा सच्चा प्यार लिखा था कि नहीं, लेकिन मुझे उसके पढ़ के मतलब ऐसे लगा कि उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा ये थोड़े दिनों में भूत उतर जाएगा, अभी कोई दूसरी शादी में जाएगा ना तो फिर ये भूत उतर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा प्यार मिल जाएगा तुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, दिक्कत तो यही है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है अभी यार।